हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ हित अभिलाषी शर्मा ऑन माय चैनल जानकारी हित। एक बार फिर आपके साथ एक नया इशू इकोनॉमिक्स के रिलेटेड, जो सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ होता है इकोनॉमिक्स का, जिसको इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए उसका बैकबोन बोलते हैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट का, तो उससे रिलेटेड आपसे बात करने वाला हूँ। लॉ ऑफ डिमांड, बहुत डिटेल में बात करेंगे हम लॉ ऑफ डिमांड की। सिर्फ एक्सप्लेनेशन नहीं, हर पहलू को आज जानेंगे। लेट्स मूव अहेड विद मी विद टुडेज कंटेंट ऑन माय चैनल जानकारी हित। यस स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड। मांग का सिद्धांत या मांग का नियम है क्या? लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी एंड द डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी। समझ लगा? मतलब जो मांग का नियम है, हमें किसी वस्तु की कीमत या प्राइस जिसे कहते हैं, और उसी वस्तु की मांग का जो आपसी संबंध है उसको पेश करता है, उसको हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ वी शुड नो दैट वेन एवर देर इज अ इंक्रीज इन प्राइस, there must be decrease in the demand, and whenever there is decrease in price, demand is going to increase. मतलब क्या है इसका? मतलब समझो, जो मांग का नियम है वो हमें ये बताता है, क्योंकि ये तो मैंने आपको बताया कि ये वस्तु के प्राइस उसके डिमांड के रिलेशन को शो करता है। फिर उसका रिलेशन है क्या? लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंगली हमें पता होना चाहिए, जब भी किसी वस्तु का प्राइस मतलब कीमत बढ़ती है, लॉ ऑफ डिमांड के अनुसार उसकी मांग कम हो जाती है, जब कीमत कम होती है तो मांग बढ़ जाती है। मतलब एक बात साफ है, दोनों में जो नेगेटिव रिलेशन है भाई, कीमत किसी वस्तु की कीमत मतलब उसका मूल्य और उस वस्तु की मांग में नेगेटिव रिलेशन है, एक इधर को जाता है एक इधर को जाता है। समझ लगा? देयर इज अ नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको एक और बात बताऊं, जब आप डिफरेंट कंटेंट्स को स्टडी करते हो डिफरेंट टाइप की बुक्स में से, तो मेनी राइटर्स आर देयर, सैमुएलसन, मार्शल, मेनी आर देयर विच मतलब हु एक्सप्लेन्स द लॉ ऑफ डिमांड इन देयर ओन वर्ड्स, बट द कंक्लूजन इज सेम। बात तो एक ही है, लॉ ऑफ डिमांड वी शुड ऑलवेज कीप इन माइंड, लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन्स द अमाउंट डिमांडेड the amount demanded of a commodity is increased whenever there is a fall in price, and on the other hand amount demanded is going to decrease whenever there is increase in price. समझ लगा मेरी बात? मतलब भाई सीधी बात है, जब कीमत बढ़ी तो मांग कम, कीमत कम तो मांग ज्यादा। ये था लॉ ऑफ डिमांड। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन हम दो पहलुओं से करेंगे, एक शेड्यूल बनाकर, टेबल बनाकर, और फिर उसी टेबल को हम एक डायग्राम के द्वारा पेश करेंगे लॉ ऑफ डिमांड को। मान लेते हैं अभी, जैसे यहां पर दिखाया है प्राइस ऑफ एक्स। एक्स क्या है? कोई भी कमोडिटी, वो मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया, वो आइसक्रीम भी हो सकती है, कार भी हो सकती है, किसी भी चीज की कीमत। मान लो आइसक्रीम की कीमत थी, या कोई एक्स एक कमोडिटी या उसका प्राइस है ये 10, 6 and 2, मतलब प्राइस लगातार कम हो रहा है, और जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, आप देखो डिमांड ऑफ एक्स उस वस्तु की जो डिमांड है इन यूनिट्स वो बढ़ रही है 100, 150 and 200। जब प्राइस 10 था डिमांड 100, प्राइस 6 हुआ कम होकर डिमांड 150, प्राइस 2 हुआ तो डिमांड 200। ठीक, ये लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करता है शेड्यूल के, प्राइस कम हो रहा है और डिमांड बढ़ रही है। इसी चीज को हम डायग्राम के रूप में देख सकते हैं। जस्ट सी हियर, एक डायग्राम है, इसमें हमने ओ एक्स एक्सिस पर वस्तु की जो डिमांड है उसको दिखाया है, और ओ वाई एक्सिस पे वस्तु की प्राइस को शो किया है। समझ लगी मेरी बात? मतलब ओ वाई एक्सिस पे हमने वस्तु की प्राइस को दिखाया है, और ओ एक्स एक्सिस पे वस्तु की डिमांड को। ध्यान से देखो, जब वस्तु का जो प्राइस 10 रुपीज है तो उसकी डिमांड 100 यूनिट है, दोनों का जो कंबाइंड पॉइंट बन रहा है वो D1 बन रहा है, जब दोनों को एक दूसरे के सामने हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर आए, जिसे काटवा बिंदु कहते हैं। फिर वस्तु का प्राइस कम होकर 6 हो गया, 6 हुआ तो देखो डिमांड बढ़कर 100 से 150 होगी, जो
इंटरसेक्शन पॉइंट है वो D2 बन गया। प्राइस कम होकर 2 हुआ तो डिमांड बढ़कर 200 होगी। और थर्ड पॉइंट आ गया हमारे पास D3। तीनों को मिला दिया भाई, ये देखो ध्यान से, D1 D2 D3 तीनों को मिलाया तो जो DD आ रही है दैट इज डिमांड कर्व। इसको हम डिमांड वक्र या डिमांड कर्व कहते हैं। ये है उसका डायग्रामेटिक फॉर्मेशन जो लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रहा था। इस कर्व की कुछ विशेषताएं हैं भाई, ध्यान से देखो, ये एक नेगेटिव कर्व है। जब भी इकोनॉमिक्स में इस ढंग से कर्व बनती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड नीचे को झुकी हुई हो तो उसे नेगेटिव स्लोप वाली कर्व कहते हैं। ध्यान रखो, नेगेटिव स्लोप वाली कर्व दो डिफरेंट वेरिएबल्स के नेगेटिव रिलेशन को दिखाती है। प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड ज्यादा, दैट इज नेगेटिव रिलेशन। समझ लगा इस बात को? यस स्टूडेंट्स, हमने बड़ी आसानी से कह दिया जी लॉ ऑफ डिमांड है भाई, ऐसे लागू हो गया। नहीं, इसके कुछ अजम्पशंस हैं, कुछ मान्यताएं हैं। अगर वो कंडीशंस रहेंगी तभी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है। अजम्पशंस के बारे में बात बताता हूँ। जब भी इकोनॉमिक्स के नियम हम स्टडी करते हैं तो उसमें एक बात लिखी होती है, व्हेन अदर थिंग्स बीइंग रिमेन सेम, जब दूसरी बातें सेम रहें मतलब उनमें चेंज ना हो तभी कोई नियम लागू होता है। सिमिलरली इन केस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड व्हेन वी टॉक अबाउट द अजम्पशंस ऑफ रिगार्डिंग लॉ ऑफ डिमांड, तो वहां भी यही बात है, इन चीजों में चेंज नहीं होना चाहिए। वो कौन कौन सी, वो मैं आपको बता रहा हूँ। व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहली अजम्पशन लॉ ऑफ डिमांड की ये है कि जो व्यक्ति है जिस पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो रहा है या जो मार्केट है वहाँ वैल्यू ऑफ वेल्थ शुड रिमेन सेम, जो लोगों के पास धन है वो सेम रहना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए, तभी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा। दूसरा, इट अप्लाइज ऑन जनरल गुड्स, एक साधारण वस्तु है उन पर लागू होता है। जो असाधारण वस्तु है इकोनॉमिक्स की भाषा में उसे गिवन गुड्स कहते हैं, उन पर ये नियम लागू नहीं होता। ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा महंगी और बहुत ही घटिया किस्म की वस्तुओं पर ये नियम लागू नहीं होता। सो गुड शुड बी नॉर्मल। एक और अजम्पशन जो इस नियम के लागू होने में हेल्पफुल है, जो कंडीशन होनी चाहिए, वो मानता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिमेन सेम, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में एबनॉर्मलिटी नहीं रहनी चाहिए, वो नॉर्मल रहनी चाहिए, उसमें चेंज नहीं आना चाहिए। नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम में ज़्यादा चेंज ना हो, जैसे मैंने वेल्थ में कहा लोगों की वेल्थ में, धन संपत्ति में चेंज ना हो, ऐसे इनकम में चेंज नहीं होना चाहिए। इसके अलावा प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी शुड रिमेन सेम, जो संबंधित वस्तु चाहे कॉम्प्लीमेंट्री है या सब्स्टिट्यूट, उनका प्राइस सेम रहना चाहिए, उसमें चेंज नहीं आना चाहिए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट अजम्पशन है, देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, जो उपभोक्ता है उसके स्वाद में, उसके टेस्ट में, उसके फैशन के प्रति, उसके टेस्ट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन रहेंगी तभी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है, इनको हम अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। समझ लगा मेरी बात? एक बड़ा इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक है जिसके बारे में आपको बताता हूँ। इकोनॉमिक्स में जब लॉ ऑफ डिमांड बात करते हैं और नियम, एक कॉन्सेप्ट आता है नॉर्मल गुड्स वर्सेस गिवन गुड्स, ये क्या होता है भाई? मैं बताता हूँ, नॉर्मल साधारण वस्तुएं जैसे हम सब लेते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड के, प्राइस बढ़ा डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज़्यादा। गिवन गुड्स इन्फीरियर क्वालिटी की गुड्स होती हैं, जो बहुत ही घटिया किस्म की मानी जाती हैं, ये ध्यान रखना, उसे हम गिवन गुड्स कहते हैं। क्लियर हो गया? एक बात और, जो लॉ ऑफ डिमांड की जब बात करते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इशू होता है, वो बहुत डिस्कस करना जरूरी है, वो है एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड लागू कब नहीं होता, ये तो इसकी मानता थी लागू होता है जो मैंने अजम्पशंस में कही। अब है एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, जिसे लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड करते हैं, हम उनकी बात करते हैं। सीधी बात बताऊं आपको, मैं जितनी अजम्पशन है अगर वो लागू नहीं होगी ना, सेम कंडीशन को रिवर्स कर दो तो लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होगा, वो अपवाद बन जाएगा लॉ ऑफ डिमांड, मतलब एक्सेप्शंस बन जाएंगी वो। कैसे? आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, जो दिखावे की वस्तुएं हैं, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं हैं, उन पर कभी भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, क्योंकि दिखावे की वस्तुओं के बारे में एक है क्योंकि ये बहुत अमीर लोग खरीदते हैं, उनमें एक मानसिक पहलू होता है अमीरों का कि अगर वो थोड़ी सी सस्ती है उनको लगता है कि उनका स्टेटस सिंबल नहीं रहने वाला, उस वस्तु को खरीदना बंद कर देते हैं। मैं नॉर्मल वस्तुओं की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत महंगी गाड़ियाँ, करोड़ों की गाड़ियाँ, करोड़ों के हीरे जवाहरात, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वहाँ पर आर्टिकल ऑफ जो डिस्टिंक्शन
डिस्टिंक्शन है जो दिखावे की वस्तुएं हैं, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं जो अमीर लोग मानते हैं ना, उन पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, क्योंकि अगर उनका रेट कम होता है वो डिमांड कम कर देते हैं। इग्नोरेंस, इग्नोरेंस होते हैं अज्ञानता। कंज्यूम, एक बात, एक चीज मानी जाती है, इग्नोरेंस किसकी, कंज्यूमर की अज्ञानता। यस, हमारा जो कंज्यूमर है वो उसमें भी कई बार अज्ञानता देखने को मिलती है, तब भी लॉ ऑफ डिमांड का एक एक्सेप्शन बन जाता है, मतलब वो लागू नहीं होता। क्या अपवाद है, बहुत से कंज्यूमर ये सोचते हैं भाई जब वस्तु सस्ती हुई तो वो घटिया है भाई, तो नेचुरली वो डिमांड कम करेंगे अगर उनकी सोच में कुछ ऐसा है, तो ये भी अपने आप में एक अपवाद बन जाता है अगर कंज्यूमर में ये इग्नोरेंस है, अज्ञानता है कि सस्ती होने का मतलब घटिया वस्तु। इसके अलावा गिफन गुड्स, जो घटिया किस्म की वस्तुएं सच में हैं, उन पर भी लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता, क्योंकि जो घटिया किस्म की वस्तुएं हैं उनके बारे में जनरल ट्रेंड है वो ऑलरेडी सस्ती होती हैं। अगर और सस्ती होंगी तो मैक्सिमम कंज्यूमर ये सोचते हैं ये और ज्यादा घटिया होगी, दे आर नॉट ए कंज्यूमेबल, यूजेबल नहीं है, तो उनकी डिमांड कम हो जाती है, तब भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। दैट इज, इसके अलावा एक जो एक्सेप्शन की बात करते हैं वो है चेंज इन कंज्यूमर इनकम। कंज्यूमर की इनकम में चेंज अगर हो जाता है तो लॉ ऑफ डिमांड के लिए वो एक्सेप्शन बन जाता है, फिर लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता। कैसे, कंज्यूमर थोड़ी सी वस्तु की मांग, उसके कुछ डिमांड की वस्तु की, वस्तु का प्राइस बढ़ गया, उसको डिमांड कम कर देनी चाहिए थी, पर उसकी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गई, वो डिमांड कम नहीं करता, रादर और बढ़ा देता है, तब ये एक्सेप्शन बन जाती है बड़ा में। अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में कुछ चेंज होता है, अगर कंज्यूमर को ऐसा लगता है एक और एक्सेप्शन बन रही है जी, चेंज इन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, भविष्य में हमें लगता है कि वस्तु का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है या बहुत ज़्यादा कम होने वाला है, तब भी लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आज प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हो जानी चाहिए, परंतु एक्सपेक्टेशन ये है कि भविष्य में कीमत और ज़्यादा बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, तो अब वस्तु की डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाती है, नेचुरली दैट इज द फेलियर ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, फिर लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता। सिमिलरली द चेंज इन द कंज्यूमर्स टेस्ट, कंज्यूमर के टेस्ट में भी चेंज हो सकता है, उसके फैशन में भी चेंज हो जाता है, अगर हुआ तो नेचुरली लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, वस्तु सस्ती होगी पर कंज्यूमर को उस टाइप की वस्तु में कोई टेस्ट ही नहीं है, वो उसकी डिमांड नहीं करेगा, देन इट्स आल्सो वन ऑफ द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ये और इसके अलावा और बहुत सारी हैं, मेन बात ध्यान रखना, जितनी अजम्पशंस हमने की थी उतनी ही इसकी एक्सेप्शंस बन जाती हैं। डियर स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स के जब लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाई डज डिमांड कर्व हैव नेगेटिव स्लोप और हैविंग डाउनवर्ड स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो मांग वक्र है वो लेफ्ट टू राइट नीचे को क्यों झुकी होती है, मतलब नेगेटिव कर्व क्यों बनती है, या मतलब हम कह सकते हैं लॉ ऑफ डिमांड लागू होता क्यों है, क्या कारण है, क्यों ऐसा होता है कि प्राइस बढ़ने पर जो डिमांड है कम हो जाती है, वाई, आओ इस बात की हम चर्चा करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड के अप्लाई होने के बहुत से कॉजेज हैं, कौन कौन से कारण हैं, उनमें सबसे पहले है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। ये क्या होता है इसको समझते हैं। एक कंज्यूमर का, कंज्यूमर में ट्रेंड देखने को मिलता है, जैसे ही वो किसी वस्तु की पहली इकाई को यूज करता है तो उसको जितनी यूटिलिटी मिलती है, सेम वस्तु की सेम टाइम पर जब दूसरी वस्तु को उसने कंज्यूम करना हो तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती है। जब आप कंज्यूमर हो, मैं कंज्यूमर हूं, हमें एक्स्ट्रा वस्तु लेने से यूटिलिटी ही कम मिल रही है, तो सोचो हम वस्तु को खरीदेंगे कब, जब वो सस्ती होगी तभी तो हम उसको खरीदेंगे, अदरवाइज तो हम उसको परचेज नहीं करने वाले। दैट इज द कॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ये भी एक कारण है लॉ ऑफ डिमांड के, कि जब उसको यूटिलिटी नहीं मिल रही, एक्स्ट्रा इकाई जब यूज करता है उतनी यूटिलिटी नहीं मिल रही या उससे कम मिल रही है, तो वो वस्तु को नहीं खरीदता, खरीदेगा कब, जब उसका प्राइस कम होगा तब वो डिमांड करेगा। दैट इज आल्सो द कॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तभी हम कह सकते हैं कि जो डिमांड कर्व है वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होती है। सेकेंड इज द इनकम इफेक्ट, यस, आय का प्रभाव। जब भी किसी वस्तु की जो कीमत है वो कम होती है तो कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाती है। मतलब क्या है, रियल इनकम का मतलब कंज्यूमर के पास जितने पैसे हैं उन पैसों की परचेजिंग कैपेसिटी, वस्तुओं को खरीदने की कैपेसिटी बढ़ जाती है अभी, क्योंकि पैसे बचने लगते हैं, वो ज्यादा वस्तुएं खरीद सकते हैं। यस, तो उसकी रियल इनकम बढ़ने के कारण वो डिमांड ज्यादा करता है, समझ लगा।
अगर वस्तु की कीमत कम होती है किसी वस्तु की कंज्यूमर के लिए, तो उसकी रियल इनकम बढ़ जाती है, तो वो वस्तुओं की और डिमांड करता है। अगर कीमत बढ़ जाती है तो उसके पास रियल इनकम कम हो जाती है, वो डिमांड कम करता है। सो दैट इज ऑल्सो द कॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। समझ लगी मेरी बात? नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन होता है प्रतिस्थापन प्रभाव। किसी भी कंज्यूमर के लिए जो प्रतिस्थापन वस्तुएं वो होती हैं, अगर कोई वस्तु महंगी होगी उसकी जगह वो दूसरी को यूज कर ले, दूसरी की डिमांड करे, तो इसे हम प्रति सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। जब भी कोई वस्तु का जो कीमत है, प्राइस है, वो डीरर होती है, महंगी होती है, तो कंज्यूमर उसकी डिमांड कम तो करता है, उसके जो सब्स्टिट्यूट है उसकी डिमांड बढ़ा देता है। उसकी डिमांड बढ़ने के कारण जो महंगी वस्तु है उसकी डिमांड कम हो जाती है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। क्योंकि कंज्यूमर के पास एक सब्स्टिट्यूशन है, वो दूसरी वस्तु परचेज कर सकता है, क्योंकि उसके सब्स्टिट्यूट मार्केट में है, तभी लॉ ऑफ डिमांड इफेक्ट मतलब लागू होता है। ये भी एक कारण है, ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं इसको। इसके अलावा अल्टरनेटिव यूजेस, एक कंज्यूमर किसी वस्तु को हम जानते हैं कई कई प्रयोग होते हैं एक ही वस्तु के। दूध है, उसको कहाँ कहाँ यूज करेंगे, पीने के लिए, चाय बनाने के लिए, कॉफी बनाने के लिए, शेक बनाने के लिए, कहाँ पनीर बनाने के लिए, स्वीट्स बनाने के लिए। लेकिन अगर दूध की कीमत बढ़ गई तो हम पहले जो सबसे ज्यादा जरूरी है दूध का प्रयोग वहां पर करेंगे, जो उसके दूसरे प्रयोग हैं, अल्टरनेटिव यूज हैं, वो हम नहीं करेंगे, जिस कारण डिमांड कम हो जाती है। और जब दूध का प्राइस कम हुआ या किसी वस्तु का प्राइस कम हुआ तो हम उसके अल्टरनेट यूज भी करने शुरू कर देते हैं, तो डिमांड बढ़ जाती है। दैट इज आल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट है साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। जो उपभोक्ताओं का समूह है उसका उसके साइज का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। मतलब क्या है इसका? जब वस्तु महंगी होती है तो उसको अमीर लोग खरीदते हैं, जिनकी गिनती कम होती है, संख्या कम होती है, वो तो खरीदते हैं भाई, पर उनकी गिनती कम होती है तो वस्तुओं की डिमांड कम होती है। जब वस्तु सस्ती हो जाती है तो खरीदने वाले लोगों का जो ग्रुप है, समूह है, वो बढ़ जाता है, तो डिमांड भी बढ़ जाती है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक द होल कॉन्सेप्ट इज क्लियर, सारी बातें स्पष्ट हो गई होंगी। मांग का नियम क्या है, मांग के नियम की अजम्पशंस या मान्यताएं क्या हैं, इसके अलावा इसके लिमिटेशंस क्या हैं, जिसे एक्सेप्शंस कहते हैं, कब कब लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता, लॉ ऑफ डिमांड के अप्लाई होने के कारण क्या हैं, डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप क्यों रखती है, इस बारे में आपको ये बातें स्पष्ट। एक बात और ध्यान रखना कि इस चैनल पर ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस इकोनॉमिक्स या कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट की डाली जा चुकी हैं, आप उनको भी देखिए, बहुत सी आने वाली हैं, उनका भी इंतज़ार कीजिए। कंप्लीट वीडियो देखिए, तभी टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। नई वीडियो का इंतज़ार कीजिए, तब तक थैंक यू वेरी मच।